हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता भूषण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आंवले की चटनी बनाएंगे। फ्रेंड्स, आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए। फ्रेंड्स, आइए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने 7-8 आंवला लिया है, इसे धो के सुखा लिया, इसका पानी धो के रख लिया है मैंने। 6-7 कलियाँ लहसुन की, आधे इंच के बराबर अदरक छील के रख लिया है, 2 हरी मिर्च है, थोड़ी सी हरी धनिया है धुल के रख लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हम नमक यूज करेंगे, सादा नमक। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम धनिया काट लेते हैं और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। रफली हमें काटना है क्योंकि हमें मिक्सर जार में डाल के इसको पीसना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। 2 हरी मिर्च मैंने ली है, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जितना तीखा आपको खाना हो, हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम आंवला काट लेंगे, आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से, और इसका बीज हटा देंगे। तो हमें इस तरीके से काट के इसका बीज हटा लेना है, तो हम इसी तरीके से काट लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए सभी आंवलों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आंवले काट लिए हैं, अब मैंने मिक्सी जार लिया है, मिक्सी जार में हम आंवला डाल देंगे। आंवले की कच्चा चटनी बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको उबाल के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा बॉयल करने के बाद भी बना सकते हैं। इसमें हरी धनिया, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक सब डाल देंगे। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, लहसुन डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, मैंने 1 चम्मच लिया है, काला नमक 1 चम्मच, सादा नमक भी थोड़ा सा डालेंगे फ्रेंड्स स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच। आइए इसे ढक्कन लगा के पीस लेते हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं चटनी। देखिए फ्रेंड्स, चटनी पीस गया है, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स चटनी, 2 मिनट पीस जाता है मिक्सी में, आप इसे सिलबट्टे में पीस सकते हैं। ये बाउल में हम निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनके तैयार है खाने के लिए, और बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स चटनी। आप भी बनाइए फ्रेंड्स चटनी और खाइए, और बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है चटनी खाने में। आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।